A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hello viewers, we are going to share controlling behavior. Controlling behavior is a composition of sort of strategies we use for different actions. So, isme hum ye dekh rahe hain ki we make the child that they be mindful about their own actions, reactions. वो कौन से actions कर रहे हैं और कौन से reactions कर रहे हैं, किस बात पे वो क्या बात कर रहे हैं और क्या वो suitable है, क्या उसको ये बात करनी चाहिए, और उसके लिए अगर हम monitor कर रहे हैं तो हम उसे direction दें कि इस action के लिए आपका ये reaction जो है ना वो suitable नहीं है, उसके लिए ये यानी specific direction हमें ज़रूर दे देनी चाहिए कि आपका ये स्पेसिफिक रिएक्शन होना चाहिए. अगर द टीचर हैज़ अप्रिशिएटेड, यू मस्ट एक्सेप्ट दोज अप्रिसिएशंस. कोई इनाम मिल रहा है तो उसको ज़रूर कबूल करें, और अगर कोई अप्रिसिएशन मिल रही है तो उन अप्रिसिएशन को ज़रूर अपने पास, कोई नसीहत कर रहा है तो उसकी नसीहत को ज़रूर सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें, और हमें बहरहाल उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ज़रूर दे देने की ज़रूरत है. और हम बच्चों को ये है कि अच्छे मॉडल का ज़रूर रेफरेंस दें. इफ़ वी आर डूइंग एक्शंस एंड दे आर फॉलोइंग अस, वी टू बी अ गुड मॉडल फॉर देम. और अगर ये है कि दे आर परफॉर्मिंग गुड, वी मेक देम गुड मॉडल फॉर द अदर्स. और ये एक डेमोंस्ट्रेशन है जो उनके सामने हम अपनी तरफ से दे रहे होते हैं, या फिर यह है कि उनको हम एग्जाम्पल दे रहे होते हैं दैट यू लुक एट दैट एक्शन, दैट इज़ वेरी गुड एक्शन, मिस्टर अहमद इज़ परफॉर्मिंग एंड मिस नबीला इज़ परफॉर्मिंग. सो तो हम उनकी बाई नेम, बाई एक्शंस, और कौन से एक्शन जो है ना वो बेहतर है, और दैट इज़ अप्रिशिएटेड. और अच्छा बिहेवियर यानी उनको पता चल जाए कि दिस एक्शन इज़ वेरी गुड बिहेवियर, उसने दूसरों की मदद की, इस तरह से मदद की, और उसने उसको पढ़ना सिखाया, उसने उसको लिखना सिखा दिया, उसने उसको कुछ अल्फाज सिखा दिए. दीज आर द गुड बिहेवियर्स. अगरचे ये एकेडमिक इसमें कंसर्न है, लेकिन दैट इज़ आल्सो इंक्लूडेड फॉर द सोशल स्किल्स. और सोशल स्किल्स के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम अपने एक्शन से, अच्छे एक्शन से, कि इस काम को ऐसे भी तो किया जा सकता है, यस इट इज़ मोर अप्रिशिएटेड. तो चिल्ड्रन कैन लर्न by these actions. बाज़ूकात बच्चों को हम देखते हैं नसीहत करने के लिए, सबके सामने नसीहत करने की उस तरह ज़रूरत नहीं है, और स्पेसिफिकली किसी खास को टारगेट बना के हम नसीहत कर रहे हो, तो अगर हम इफ़ वी लुक एट एनी प्रॉब्लम, एनी सिचुएशन, तो वी जनरली कैन स्पीक आउट. क्लास में हम इन जनरल बात कर सकते हैं, बच्चों के बारे में वैसे बात कर सकते हैं, और जिन लोगों को हम समझाना चाह रहे होते हैं वो बात को पिक कर लेते हैं, या फिर यह है कि उनको स्पेसिफिकली यानी उनको या प्राइवेट सेशन में उनसे बात कर ली जाए, तो ये भी एक तरीकाकार हो सकता है. और इट इज़ मोर सेफ टू कंट्रोल एंड मैनेज देयर इमोशनल स्टेटस एंड इमोशनल कंडीशंस. और उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज है, रिलैक्स करने के लिए हंसने के मौके हैं, खुश होने के मौके हैं. Sometime we feel that music is very useful. Music में यह है कि उनको expression मिल जाता है, और उनको यह है कि अपने आप को, अपने muscles को control करना, अपने जो gestures हैं उनको control करना, अपने आप का इजहार करना catharsis हो जाता है. और फिर यह deep breathing है, यानी लंबे लंबे सांस लेना, और इसमें भी they got relaxed, और उनको एक social skill के लिए prepare होना बड़ा इम्पॉर्टेंट हैसियत रखता है, कि उनको मौका मिल जाता है दे गॉट रिलैक्स. वो सोशल स्किल सीखने के लिए उसका रिलैक्स होना बड़ा ज़रूरी है, और बच्चे आप उसमें रिलैक्स हों, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड दे शेयर देयर सोशल स्किल फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर ओन कम्युनिकेशन, ओन बिहेवियर, एंड कंट्रोल देयर बिहेवियर फॉर गुड कम्युनिकेशन. थैंक यू वेरी मच.